डोमचांच प्रखंड अंतर्गत मधुबन पंचायत की एक लड़की ने पूरे कोडरमा जिला के लिए एक मिसाल कायम की है। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन द्वारा संचालित बाल पंचायत के अध्यक्ष राधा कुमारी, पिता सुरेंद्र पांडे, उम्र 17 वर्ष, मधुबन निवासी, जिसकी शादी 26 जून को घर वालों ने तय कर दी थी। इसे लेकर जब राधा कुमारी को शादी की बात पता चली तो वो शादी करने से उसने मना कर दिया। उसने अपने घर वालों को समझाया कि हमारी अभी उम्र शादी करने की नहीं, अभी हम पढ़कर कुछ बनना चाहते हैं। जब घर वाले इस बात को लेकर मना कर दिए तो लड़की इस बात को लेकर कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी से फोन पर बात कर शादी की बात को लेकर पूरा मामला बताया। इस बात को लेकर जब KSCF कोडरमा ऑफिस में पता चला तो कोडरमा के फील्ड में कार्य करने वाली बेबी देवी ने राधा कुमारी के घर वालों को समझाने की कोशिश की। इस बात को जब घर वाले नहीं माने तो लड़की को खुद आगे आकर शादी का विरोध करने की बात कही, जिसे लेकर राधा कुमारी ने खुद फोन कर लड़के वालों को फोन कर बोल दिया कि अभी मेरी उम्र शादी की नहीं हुई। इसे लेकर कोडरमा उपायुक्त रमेश घोल अपने दिन शनिवार को राधा कुमारी के आवास मधुबन पहुंचकर कार्य को लेकर राधा कुमारी को किताब, शॉल, प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने राधा कुमारी को महिला बाल विकास सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित पालन पोषण देखरेख एवं स्पॉन्सरशिप योजना के तहत 2000 मासिक भुगतान की स्वीकृति प्रदान की। साथ ही राधा कुमारी के पिता सुरेंद्र पांडे का वृद्धा पेंशन की स्वीकृति प्रदान की। मौके पर उप विकास आयुक्त रोनेटा, BDO मनीष कुमार, CO महादेव प्रिया, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन के मेंबर ओम प्रकाश कुमार, अरविंद कुमार, मनोज कुमार, बाल पंचायत के बच्चे सहित ग्रामीण मौजूद थे। डोमचांच से संदीप कुमार की रिपोर्ट। बेबी मैम, हम उनको कॉल किए, फिर वो आए, वो समझाया सबको घर में, फिर भी कोई नहीं समझे, फिर हम अकेले में भी उनसे बात किए बेबी मैम से, फिर घर आई, उनके बाद भी कोई बात नहीं माने। उसके बाद फिर हम लड़की वाले पक्ष को खुद कॉल करके बोल दिए हम इस बार शादी नहीं करें। तुमने अपने पापा से यही बोले कि हम अभी पढ़ेंगे, हम भी कुछ करना चाहते हैं, हम भी कुछ बनना चाहते हैं, हम भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं जैसे एक दूसरे को ही है। तो फिर अगर फिर कोई नहीं बोले कि फिर जब मैम आई फिर उसके बाद और फिर उसका जब घर के लोग यही बोले कि आप लोग दिखता नहीं है, अभी मेरा सिर्फ 17 साल जा रहा है और हम खुद अभी बाल विवाह रोकने वाले हैं, सबको रोकना है अभी हमको। ये डोमचांच प्रखंड के मधुबन पंचायत की एक लड़की है जिसने एक मिसाल पेश की है समाज के उन सभी माता पिताओं के लिए। इस लड़की ने अपनी खुद की जो शादी उसकी तय हुई थी 18 साल से पहले, चाइल्ड मैरिज जो इसका होने वाला था, इसने खुद इसका विरोध करके अपने माता पिता को भी इसका विरोध दर्ज कराते हुए और जिसके साथ शादी होने वाली थी उस परिवार से भी अपना विरोध दर्ज करा के अपनी शादी रोकी है। और ये निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी पहल है, एक मिसाल है। नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी जी से जब बात हो रही थी तो उन्होंने इस बच्चे का जिक्र किया था, हमने कहा था कि हम खुद उसके घर में जाके उस बच्चे को सम्मानित करेंगे, क्योंकि ऐसी बच्चियाँ जब इस तरह के कदम उठाती है तो वो सिर्फ उस तक सीमित नहीं रहता है बल्कि वो समाज के लिए, पूरे सोसाइटी के लिए एक मिसाल बन जाती है। तो हमको फ़ख्र है और हम तो प्रार्थना करते हैं कि भगवान हर माँ बाप को ऐसी बेटी दे। आज हम लोगों ने इसको स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत मंथली 2000 रुपये का स्कीम है उसको स्वीकृत किया है, उनके पिताजी को हम लोगों ने पेंशन स्वीकृत किया है। ये बच्चे भी आगे जाके पढ़ना चाहती है, टीचर बनना चाहती है, तो मैंने उनको कहा है कि आगे पढ़ाई में भी उसको किसी तरह की दिक्कत आएगी तो मैंने अपना व्यक्तिगत नंबर दिया है और हम प्रयास करेंगे कि इसके जो सपने हैं वो सपने पूरे हों। और इसको हम लोग सुकन्या योजना के तहत भी इस बच्चे को हम लाभ दे रहे हैं और जो परिवार के इसकी माँ का राशन कार्ड में नाम नहीं है तो उसको भी हम लोग।